Now let's start 7th question of exercise 2.2. The sum of 3 consecutive integers, consecutive multiples of 8 is 888. अब हमें 3 consecutive means लगातार लेने हैं, वहीं x, x plus 1, x plus 2. But यहाँ पे क्या कह दिया, multiples of 8. जैसे अब आपने अब 8 का टेबल लिखना हो तो 8 के टेबल के लिए आप फर्स्ट नंबर अगर पता है उसके बाद आप क्या लिखते हो, 8 ऐड करते हैं. तो सेम एज इट अगर हमें यहाँ पे हम दो तरह से कंजक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 8 एज्यूम कर सकते हैं. या तो आप x हमने एज्यूम किया, नेक्स्ट क्या होगा, x प्लस 8 का मल्टीपल लेना है. फिर हमने x प्लस 16 8 का टेबल, जैसे 8 का मल्टीपल पहले 8 ऐड हुआ, फिर 8 टू 16 से फिर 8 थ्री 24, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कंजक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 8. या आप दूसरी तरह से भी एज्यूम कर सकते हो कि आपने फर्स्ट जैसे हम x प्लस 1 एंड x प्लस 2 एज्यूम करते हैं. अब उसने 8 के मल्टीपल्स का है, 8 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 8 से मल्टीप्लाई होते हैं, सो वी मल्टीप्लाइंग बाय 8. हम इस तरह से भी एज्यूम कर सकते हैं, दैट इज़ 8x प्लस 8, 8x प्लस 16 और 8x. क्लियर, यू कैन एज्यूम एनी 3 कंजक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 8 बाय दिस वे और बाय दिस वे. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे सिंपल, वहीं सम ऑफ 3 कंजक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 8. अब हमें क्या दिया हुआ है, सम दिया है, तो सम मीन्स हमने तीनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है. सो वी ऐड द थ्री वंस, थ्री नंबर्स, x, x प्लस 8 एंड x प्लस 16. x कितना बन गया ये हमारा 3x, और 8 प्लस 16 क्या बन गया हमारा 24 इज इक्वल टू 888. अब प्लस का 20, अब वहीं सॉल्व सिंपल लीनियर इक्वेशंस, 8 को 24 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा ये, माइनस का 24, इट्स बिकम 864. नाउ डिवाइडिंग बाय 3, 3 वन्स आर, 3 टूज आर 6, 3 एट्स आर 24, 3 एट्स आर 24. सो दिस इज़ अवर वैल्यू ऑफ x, दैट इज़ 288. हम अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई. अब हमारे क्या निकालने हैं बाकी नंबर्स, x प्लस 8 एंड x प्लस 16. सो अवर द थ्री, सो अवर द रिक्वायर्ड 3 कंजक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, फर्स्ट इज 288, नेक्स्ट 288 प्लस 8, 288 प्लस 16. सो इट बिकम्स 288, 296 एंड 304. क्लियर.